जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीएससीएल बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात करेंगे साथियों, जिसमें साथियों आज हम बताएंगे कि 13 जुलाई के रात 9 बजे तक टोटल कितना फॉर्म अभी तक बीएसपीएससीएल में फिलअप किया गया है साथियों, और फॉर्म भरने में अभी क्या समस्या आ रही है, पेमेंट के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तीसरा बात करेंगे हम लोग साथियों कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो सर्टिफिकेट नंबर मांगता है उसमें क्या डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है या फिर मार्कशीट नंबर डालना है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन सा नंबर डालना है। जो लोग अभी जस्ट पास आउट ही हुए हैं और उनका रिजल्ट आ गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो क्या डालेंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे साथियों। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों क्रॉस्पोंडेंस क्लर्क, बीएसपीसीएल में क्रॉस्पोंडेंस क्लर्क के लिए क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, कौन सा बुक पढ़ें जिससे कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लड़े। और आपको क्रॉस्पोंडेंस क्लर्क या फिर टेक्नीशियन के लिए हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स कहाँ मिलेगा, इसके रिगार्डिंग साथियों अभी हम बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हिंदी और कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं साथियों, जिसका कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे साथियों, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां कि आपको हिंदी और कंप्यूटर का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा साथियों। और विशेष संपर्क के लिए साथियों हम अपने इंस्टा का लिंक भी डाल देंगे जहां कि आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आइए साथियों हम डिटेल में बात करते हैं कि आज 13 जुलाई तक टोटल कितना फॉर्म फिलअप किया गया है। तो साथियों, आज 13 जुलाई तक टोटल फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो 240,515 फॉर्म फिलअप हुए हैं साथियों, टोटल 240,515 फॉर्म फिलअप हुआ है 9:30 बजे तक 13 जुलाई तक में। इससे पहले साथियों 10 जुलाई तक में टोटल 217,536 फॉर्म फिलअप हुए थे साथियों, और उससे पहले 7 जुलाई तक में टोटल 155,000 फॉर्म फिलअप हुआ था साथियों, यानी कि 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच यानी कि 3 दिन के अंतर में 62,00,000 फॉर्म भरा गया था साथियों। वहीं जब देखा जाए 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में तो ज़्यादा नहीं साथियों, मात्र 23,000 फॉर्म गिरा है साथियों। इसका मेन रीजन क्या है साथियों कि पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है साथियों, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट इरर कभी हो जा रहा है तो कभी पेमेंट पेंडिंग हो जा रहा है, इसके कारण साथियों स्टूडेंट, चूंकि पेमेंट साथियों बहुत ज़्यादा रकम है 1500 है, इसलिए स्टूडेंट में डर हो जाने के कारण फॉर्म गिरना थोड़ा सा स्लो गया साथियों। तो इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे साथियों कि आप फॉर्म या तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात में भरें, या फिर आप फॉर्म 4 बजे 5 बजे सुबह में भरें, और साथियों कोशिश करें कि डेबिट कार्ड में रुपे डेबिट कार्ड जो हो उससे पेमेंट करें साथियों, तो आपका आसानी से पेमेंट हो जाएगा साथियों, दिक्कत नहीं होगा। बाकी साथियों फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला, क्योंकि आज 13 तारीख हो गया, 19 तारीख तक भराएगा साथियों, तो ये समस्या लगभग रहेगी क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्म गिरेगा उतना ज़्यादा एंगेज होगा साथियों। तो आप लोग या तो रात में या फिर सुबह 4 या 5 बजे अपना पेमेंट करें साथियों, फॉर्म भर के पेमेंट करें, पेमेंट हो जाएगा। अब साथियों आपको हम बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे थे कि सर सर्टिफिकेट नंबर डालें कि मार्कशीट नंबर डालें, ये या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर अभी जस्ट हम पास आउट ही हुए हैं, हमारा रिजल्ट आ गया है लेकिन मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो साथियों जिनका भी
मार्कशीट या सर्टिफिकेट कॉलेज से प्राप्त नहीं किए हैं, कॉलेज में नहीं आया है, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। रिजल्ट सिर्फ आने से नहीं होगा साथियों, आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आना चाहिए। आपके कॉलेज में अगर सर्टिफिकेट नहीं भी आया तो मार्कशीट अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है कॉलेज से, तब आप साथियों भर सकते हैं। मार्कशीट का मार्कशीट नंबर डाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको जब मार्कशीट मिलेगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी साथ में मिल जाता है साथियों। तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर डाल के ही कोशिश करना है कि फॉर्म भरने का कोशिश करेंगे साथियों। अगर नहीं प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है तब आप मार्कशीट का नंबर डाल के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका भी एक दो दिन, पाँच दिन, दस दिन में रिजल्ट ही आया है, मार्कशीट अभी कॉलेज से नहीं मिला है, वो आवेदन करने के लायक नहीं है साथियों। अब हम आगे बात करेंगे कि क्रॉस्पोंडेंस क्लर्क का क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में साथियों आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस से, 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपका, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा साथियों, जिसमें साथियों आप जीके जीएस के लिए या तो लुसेंट फॉलो कर सकते हैं या फिर क्राउन का समान ज्ञान फॉलो कर सकते हैं साथियों। वहीं अगर आपको करेंट अफेयर का पढ़ना होगा तो करेंट अफेयर के लिए आप एडुटेरिया का करेंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं साथियों। वहीं रीजनिंग के लिए साथियों आप दो को फॉलो कर सकते हैं, एक आप अरिहंत का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं और एक आप आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं साथियों रीजनिंग के लिए। वहीं मैथ के लिए आप 9, 10 और 8 का मैथ का बुक आप फॉलो कर सकते हैं साथियों। और आपका हो जाएगा हिंदी, हिंदी और इंग्लिश आपका 10th लेवल का रहेगा, जिसमें कि आपका आइडम फ्रेज मेनली रहेगा, वन वर्ड सिचुएशन रहेगा, साइन और इंटो रहेगा साथियों। तो ये दोनों के लिए आप लुसेंट फॉलो कर सकते हैं, लुसेंट हिंदी और लुसेंट इंग्लिश साथियों, ये दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए भी आपको लुसेंट में आता है, लुसेंट का कंप्यूटर आता है हिंदी में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं साथियों। लेकिन साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और हिंदी है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे साथियों, अगर हमसे सजेशन चाहते हैं तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि जितना से ज़्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए, किसका, रीजनिंग का, मैथ का और इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप अटेम्प्ट कीजिए साथियों, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का साथियों आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करेंगे या फिर सेट प्रैक्टिस करेंगे साथियों, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ आपको उतना ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं साथियों। और इंग्लिश है आपका जो 10 नंबर का आएगा वो आपका प्रीवियस ईयर से ही लगभग 5-6 मिल जाएगा साथियों। और अगर आपको प्रीवियस ईयर का चाहिए साथियों क्वेश्चन बैंक, तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा साथियों, उससे जुड़ जाइए, उस पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश का हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएगा साथियों, और कंप्यूटर का। तो ये जानकारी आप लोग के साथ साझा करना था साथियों, बाकी और कोई क्वेरी हो तो जरूर संपर्क कीजिएगा साथियों। थैंक यू।